कहीं ना कहीं से हीरा ढूंढ के लाते हैं आप? नहीं, मैं ये तो खैर इन्होंने मुझे मतलब मैं क्या इनको ढूंढ सकता हूँ। ये तो क्या है आप भी जानते हो, जेम्स ऑफ पंजाब, ये तो एक ऐसी शख्सियत है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि इंडस्ट्री के लोग इन्हें 20-30 साल से सुन रहे हैं और कोई नहीं बुलाता है। ये बड़ी भारी हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री की विडंबना कह लीजिए या क्या कॉमर्शली पॉइंट कह लीजिए कि आज सावरकोटी साहब को पूरी दुनिया यूट्यूब पे सुनती है, पूरी दुनिया लाइव सुनना चाहती है, विदेशों में, देश में, दुनिया में, पंजाब में उनको भगवान की तरह पंजाबी सिंगर के रूप में जाना जाता है, लेकिन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी तक उनको नहीं लाई थी। तो मेरी कहीं मुलाकात एक मित्र के थ्रू हुई थी, हम काफ़ी साल से टच में थे, बीच में भी गाने वाले थे मेरी एक फिल्म के लिए, तो सर लंदन शो के लिए गए हुए थे, तो अभी मेरी बात हुई, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे गाना बनाया है जो हमारी फिल्म गेम पैसा लड़की का टाइटल सॉन्ग है, जो एक डिफरेंट जॉनर का गाना है जो सर के लिए भी एक अलग होगा, जब बॉलीवुड में एंट्री हो रही है तो एक धमाके के साथ हो, दिल भी खोटा मन भी खोटा, आँखों में इसकी खोट है, अच्छा बुरा कुछ दिखता नहीं है, अब दिखते इसको नोट है, तो कुछ डिफरेंट तरीके से देव ने कंपोज किया है। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सावर भाई को तो ये तो मतलब इनके बारे में बोलना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है।